सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू RSR फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे RSR फाइनेंस पे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। भाई एप्लीकेशन का नाम रहने वाला है कैशबिज, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कैशबिज एप्लीकेशन का नाम है, और अगर यहाँ से अगर आपने लोन ले रखा है और अगर आप इसकी रीपेमेंट करने वाले हो तो बिल्कुल भी रीपेमेंट मत करना, क्योंकि दोस्तों वन टाइम ही यहाँ पे लोन मिलता है। अब ये क्या कर रहे हैं भाई, सबको फ़ोन फ़ोन कर करके जो है पेमेंट ले रहे हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट लोन अमाउंट के लिए जो है नहीं दे रहे हैं, उनको सबको ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो आप लोगों से जितने भी हैं मेरे भाई, जितने भी इन्होंने लोन ले रखा है भाई, सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी रीपेमेंट ना करें, क्योंकि ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है। और आपको मैं ये भी बताता हूँ दोस्तों कि इस एप्लीकेशन के एक बुराइयाँ कि भाई ये आपको फ़ोन करके बोलेंगे कि 10,000 का आपको लोन मिलेगा, 15,000 का लोन मिलेगा, और आपसे जो है रीपेमेंट करा लेंगे, उसके बाद जो है आपको ब्लॉक कर देंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट जो है भूल जाइए, जो आपने रीपेमेंट की है वो भी नहीं मिलने वाली और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका प्रूफ पूरा पूरे का पूरा प्रूफ जो है मैं शेयर कर दूंगा, और वहाँ से जाके दोस्तों आप लोग एक काम करना है, इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना, और कॉल आती है कुछ भी आता है तो भैया साइबर क्राइम पर इसकी कंप्लेंट करना है। अगर नहीं कर पाते हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूँगा, और ऑलरेडी मैंने कर रखा है कंप्लेंट। और इस एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है तो भाई कोई भी रीपेमेंट ना करे। और जितने भी यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्द से जल्द है इस एप्लीकेशन पे जो है वीडियो बना लो, क्योंकि ये फ्रॉड है एप्लीकेशन, और इसके चक्कर में ना पड़ो भाई। इसके अगर आपने लोन ले रखा है तो वेरी गुड है, अगर लेने वाले हो तो मिलने वाला तो वैसे ही नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अप्लाई ना करो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई ना करो, बेकार है ये एप्लीकेशन। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, अगर रीपेमेंट करोगे अगर ये सोच के कि हाँ कि हमें नेक्स्ट लोन अमाउंट मिलेगा, तो भैया ये सबसे बड़ी गलती है, करके देख लेना, पैसे डूब जाएंगे।